हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का एक वर्क जो है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और हेमिंग्वे जो राइटर है, इनकी बायोग्राफी के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क इनका आता है, जिससे क्वेश्चन आता है, तो वो यही वर्क है। तो इसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैम, मास्टर्स में, सॉरी कॉम्पिटिटिव में नहीं, मास्टर्स में इसमें एग्जाम आया है कि आप द ओल्ड मैन एंड द सी जो हमारा वर्क है, उसे आप क्या समझते हैं या उससे उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। और ये 20 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो देखिए, मेन में देखिए, समरी तो आपने इसके करी होगी कि कैसे जो एक जो सेंटियागो है वो कैसे स्ट्रगल करता है एक फिश पकड़ने के लिए। डेली वो जाता है, मायूस होके आता है, पर वो हार नहीं मानता। उसको खुद पे भरोसा होता है और उसको अपनी मेहनत पे भरोसा होता है, नेचर पे भरोसा होता है। कि उसको ये कहता है, लोग कहते हैं ना कि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है। अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगा तो फिर कैसे मेरा काम बनेगा। तो वो डेली इसी भरोसे पे जाता था कि कभी तो नेचर उसका साथ देगी या कभी तो गॉड उसका साथ देंगे। अब जो मेन चीज़ें हैं, जो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अ मेजर नावल, ये एक मेजर नावल है हेमिंग्वे की, ठीक है। दिस नावल इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्यूबन फिशरमैन, एक क्यूबन का एक फिशरमैन है जिसका नाम है सेंटियागो, हु फेल टू कैच अ फिशमैन अबाउट 84 डेज, ठीक है। वो 84 डेज से डेली फिश पकड़ने जाता है, पर वो बार बार फेल हो जाता है और उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ अनलक्की, ठीक है। वो सोचता है कि यार, मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ होने वाला है। 84 डेज, आप सोच सकते हैं, आप किसी काम को एक दिन करते हैं, दो दिन करते हैं, तीन दिन करते हैं, लेकिन अगर आपको उसके उससे आउटकम नहीं मिलता तो आप सोचते हैं यार बेकार है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इतना ज़्यादा पेशेंस रखे कि वो 84 डेज डेली गया, तो ये अपने आप में ही स्ट्रगल है और कहीं ना कहीं एक भरोसा है कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी। इसको ऐसे आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे खुद को अनलकी डिक्लेयर कर दिया था कि मैं बहुत ना अनलकी हूँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। हिज यंग अपेरिशन मोनालिन आल्सो लीव हिम वेन हिज पेरेंट्स फॉरबिड हिम, मतलब कि किसी चीज़ से इनकार करना, किसी चीज़ से मना करना। आप मना करना यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कि जो उसकी एक फ्रेंड थी मोनालिन, उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने भी उसका साथ छोड़ दिया जब उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया कि अरे, वो अनलकी इंसान है और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो तुम उसका साथ छोड़ दो। तो अपने पेरेंट्स के कहने पे उसकी जो फ्रेंड है वो भी उसका साथ छोड़ देती है। इन द एंड ऑफ द कैचेस, लेकिन एंड में जब वो अपनी मेहनत से लगा रहता है, एंड ही कैच अ बिग फिश, अपनी मेहनत में लगा रहता है, हार नहीं मानता डेली, तब एंड में उसको वो एक फिश पकड़ता है जो कि बहुत बड़ी होती है और जिसका नाम होता है मार्लिन। द नावल इज इंटरप्टेड इन द वेरियस वे, ये आपको बहुत जगहों से इंटरप्ट करती है अपनी तरफ की। मतलब देखिए, किसी के लाइफ में कैसी सिचुएशन है, किसी के लाइफ में कैसी सिचुएशन है, पर कहीं ना कहीं अगर आप, राइटर का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस पोयम को, इस वर्क को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फील करके अगर पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर ही है। क्योंकि देखिए, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, एकदम से किसी को कुछ नहीं मिलता, उसके लिए उसको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। ही हैज़ मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी टेक्सचुअल मीनिंग, इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो अचीव करना चाहता है, मेहनत करने के बाद भी वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मैं अनलकी हूँ। और जैसे कि उसकी फ्रेंड ने उसका साथ छोड़ दिया, तो ऐसे बहुत लोग हमारा साथ भी छोड़ते चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंटरप्ट जरूर करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये हमारी लाइफ से ही जुड़ी हुई कोई बात है। अब जो इसकी थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे तो मैंने एक एक वर्ड में आपको लिख दिया, लेकिन जब आपका एग्जाम में मार्क्स आएगा 20 मार्क्स का, तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला है प्राइड, ऑनर, ग्लोरी, लाइफ, डेथ, स्ट्रगल, ठीक है। ये सारे इसके थीम है। अब ये मेन जो, मतलब कि आप ये लिख सकते हैं और इससे भी आप इसको और भी डीपली लिख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। द स्ट्रगल बिटवीन सेंटियागो एंड मार्लिन सिंबलाइजेस दैट एंड
इटर्नल स्ट्रगल ऑफ द मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर, मतलब कि उसका स्ट्रगल जो उसने स्ट्रगल किया, मतलब कि वो मछली नहीं पकड़ पा रहा था, वो डेली अपसेट होके आ रहा था, उसने अपने आप को अनलक्की भी बोल दिया था, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ था उसमें. तो कहीं ना कहीं ये काइंडनेस जो उसकी नेचर के प्रति थी कि नहीं यार कभी तो मतलब मुझे फिश मिलेगी, कभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, तो ये आपको इसमें देखने के लिए मिलता है. और ही ऑल्सो एम्फेसिस दैट ड्यूटी कैन नेवर बी अ सिन. जैसे हम बोलते हैं ना कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, मतलब एक और तरह मतलब नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है आजकल तो नहीं है ऐसा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा. तो ये जो वर्क है यहाँ पे अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का जो वर्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मे बी आपको थोड़ी बहुत हेल्प इससे मिल गई होगी. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी ग्रेट वर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.